ये बहुत ही टेस्टी पाव भाजी बनके तैयार है। इसको बनाइए, खाइए, मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बनाएंगे पाव भाजी। तो ये है थोड़ा सा बीन्स, गाजर, फूलगोभी, मटर, बीटरूट, सभी को डालिए प्रेशर कुकर में। और ये है आलू धो के छिलके साफ किया हुआ, और इसमें डालिए पानी। अब इसमें डालिए थोड़ा सा नमक, डालिए इसमें सरसों तेल। आप चाहें तो रिफाइन और बटर के साथ भी बना सकते हैं, ये है सरसों का तेल। ये है हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ लहसुन। ये है एक प्याज। यह एक टमाटर, बड़ा सा टमाटर है, ये हरिया है। थोड़ा सा शिमला मिर्ची, और इसमें डालिए इतना सा सब्जी के हिसाब से नमक, क्योंकि उसमें नमक डाला हुआ है प्रेशर कुकर वाला में। अब इसमें डालिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और ये थोड़ा सा है मिक्स सब्जी मसाला। गरम मसाला और ये कश्मीरी लाल मिर्च, और ये थोड़ा सा कसूरी मेथी। अब इसमें डालिए ये 2 चम्मच पाव भाजी मसाला, और थोड़ा सा इसको फ्राई कर लीजिए। ये है धनिया की पत्ती। हर सब्जी को फैलाए देते हैं। आप इन सभी सब्जियों को डालिए इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। पूरा इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें डालिए बाकी का ये हरा धनिया। अब ये बहुत ही टेस्टी भाजी बनके तैयार है। फ्लेम को कर दीजिए ऑफ। अब ये वाला ब्रेड है,
आपके पास जो भी ब्रेड हो उसको गरम कर लीजिए बटर के साथ, या घी के साथ भी कर सकते हैं गरम। ये गर्मा गर्म नाश्ता बन के तैयार है, पाव भाजी।